हे दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पे, आपका स्वागत है और शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं बता रहा हूँ आपको जर्नी, लाइक ये मैं काफ़ी दिन से अभी नहीं था क्योंकि काफ़ी अपने आप को टाइम दे रहा था, एक्सरसाइज दे रहा था, जो हड्डी जो जॉइंट हो जाए, इसीलिए काफ़ी ट्राई कर रहा था। तो ये है, तो अब ये सपोर्ट के लिए ये लगाए हैं, डॉक्टर मतलब दिए हैं, इसको ब्रांस बोलते हैं, पौधलिंग, और ये लगाया गया है। और इसके आगे ये भी है, ये यहाँ तक भी आता है ब्रश, लेकिन ये जो है ये एंकल मेरा ऐसा ड्रॉप है, लाइटली ड्रॉप हो गया था। एक्चुअली मैंने वो फिर भी मैं उसको बांध के रखता हूँ ऐसा नॉर्मली, तो भी वो ड्रॉप है लाइटली, थोड़ा सा एड़ी ऊपर है तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए भी ये ऐसा वाला बनाया है नीचे, क्योंकि इसे कितना भी आता है ये इसी के लिए, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ताकि जो एंकल फुट ड्रॉप जो बोलते वो ना हो। तो और ये सपोर्ट के लिए, जैसे रिंग निकल गई है फिर भी, क्योंकि अंदर अपने जैसे कि अंदर आप देख रहे हो, अंदर अभी कुछ नहीं रहता, जिसको लेज़र लगाया उसके अंदर कोई प्लेट या कोई चीज़ नहीं है अंदर, तो कैसा होता है उसको, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ये वापस लगा हुआ है, मेरा ये वापस लग गया था, तो ध्यान देने के लिए फिर ये अभी जैसे कि निकल गया है, तो हम लोग काम थोड़ा बहुत करेंगे। और मेरा तो कैसा, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और अकेला हूँ, मम्मी पापा बहुत पहले गुजर चुके, बहन है दोनों, वो शादी करके ऑलरेडी मतलब आउट ऑफ स्टेट है। तो बेसिकली कैसा होता है ना, तो खुद का खुद ही ख्याल रखना है। तो मेरा जब ये निकल गया था तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया था 10 ही दिन में, वो पट्टी बांधे में मैं फिर भी अपना निकल गया था, क्योंकि काफ़ी साल से मेरा गैप था। 2020 लॉकडाउन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जब लास्ट ईयर निकला मैं सोचा नहीं अब निकल गया है ना, साल भर आराम कर लिया और ठीक है अभी निकलो। तो 10 दिन में मैंने शायद आपको बताया, मेरा उसके अंदर ही गिर गया, मैं स्लीप हो गया था। तो इस बार ये केयर है सब, और अभी उसको लगा के ही रखूँगा, दिन में भले कितना भी टाइम हो जाए ना, वो थोड़ा सा वो तकलीफ भी होगी, लेकिन ये लगा के रखूँगा इसको, और इसके सहारे चलने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अच्छा है, उल्टा सपोर्ट लगता है, और जो लोग लगाएं उनको पता होगा थोड़ा सा सपोर्ट ऐसा लग रहा है, हाँ मजबूत है इसको लगाने के बाद में, क्योंकि लूजर निकल चुका है, तो उसको मैं इसलिए ज़्यादा ऑनलाइन नहीं था अभी, तो थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए तो दे रहा था। तो बस यही है कि फिर चल लेता हूँ मैं, चलने का भी वीडियो अभी चल के अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये सपोर्ट प्रॉपर सपोर्ट है, यहाँ पे मेरा नी को, यहाँ पे ये देखिए अगर आप देख सकते हो, ये मेरा नी बैंड नहीं होता है, ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब मुझे काफ़ी पूछते हैं लोग कि कितना बैंड होता है, कितना बैंड होता है, अगर आपको दिख रहा होगा कहाँ है आपका, हाँ ये देखिए, एक्चुअली देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पटेला, मेरा पटेला फूट गया है ना, दिख रहा है आप लोगों को, तो उसके वजह से जो है दिक्कत होती है अगर आपको दिख रहा होगा तो इसीलिए मैं अभी हवे में है मेरा पैर, ये देखिए ये हवे में, ये बैंड नहीं होता है यहाँ से, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हवे में रहता है, मेरा जो पटेला है ना ये फूट गया है, तो अभी ये तो निकल गया है, अभी एक लेवल बाकी है, जब ये लेवल निकल जाएगा ना, तो इसका एक्सर अभी मैंने डाला हुआ, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, तो ये अभी ज्वाइंट हो रहा है, तो अभी ये ज्वाइंट हो रहा है, जब ये निकलेगा तब इधर का मेरा ऑपरेशन मैं करूँगा, क्योंकि मैंने CPM मशीन, पेन थेरेपी, और बहुत लोगों ने क्या क्या सजेस्ट किया सब करके देख चुका हूँ, मैं खुद करता हूँ, मैं बैठे नहीं रहता क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना है। तो बेसिकली मेरा ये बोलना है कि बहुत जन मुझे पूछते हैं कि भैया आपका नी कितना बैंड होता है, कब निकलेगा, ये होगा वो होगा, तो मैं दे नहीं पाया उसके लिए भैया, मतलब रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ये सब मैं था
और इस बार मैं पूरी ध्यान दे रहा हूँ इसको। तो ये मेरा मतलब जो मुझे पूछ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा नी है, अगर आप मैं जूम कर रहा हूँ ना, ये आप देखिए, ये खड्डा दिख रहा है आपको जो मोबाइल में, इतना खड्डा दिख रहा है जो इतने साल बाद में है, एक साल दो साल होने आ गया, तो सोचो जब लगा होगा तब तब क्या होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये मेरा जो है ना, मैं बॉम्बे के सबसे एकदम नाम नहीं लेना चाहूँगा हॉस्पिटलों के, जो जहाँ पे सेलिब्रिटी लोग जाते हैं वहाँ पे पहचान निकालने का के मतलब गया हूँ, उनसे सजेशन लिया, उनका 2000 रुपये से मीटिंग मतलब बात करने का कंसल्टेंसी का दे के पूछ के उन्होंने एक्सरे सब निकाल के, MRI निकाल के, सिटी स्कैन, MRI सब, पैर का एक्सरे, ये तो कॉमन है, ये तो मेरे कम से कम मेरे पास में अभी तक एक्सरे 45 के ऊपर ही होंगे, हाँ उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा ही है। तो MRI एक्स ये सब निकाल के सब चेक हुआ हुआ है मेरा पैर। तो मुझे अभी ये जो मैंने बताया ऊपर का फीमर का जब निकलेगा तो अपना यहाँ का जैसे बताया ये इसका मेरा ऑपरेशन होगा, तब मेरा बैंड होगा, ठीक है। और ये निकलता है, इसको टाइम लगता है, ये तो ऊपर का है, ये नहीं बोल रहा इलेजर बोल रहा, ये तो अपने को सपोर्ट के लिए दिया गया है, ये इसको ऐसा अपन सकते हैं, ये मैं निकाल कर आपको रख के फिर अपना क्या बोलते हैं इसको सुबह लगाता हूँ, फिर 4-5 दिन चलता हूँ, नीचे जाता हूँ बिंदा, मतलब जैसे कि मेरे यहाँ पर नीचे जगह है तो नीचे जाता हूँ, तो ये ऐसा है, तो ऐसा अपन निकाल सकते हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। और तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए कि ये मेरा जो है ये निकल चुका था, ये वापस लग गया था, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं भूल गया कि ये भगवान जो भी ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर अल्लाह सब जो जिन्होंने हमें बनाया है, ये टूट गया तो इतना जल्दी नहीं बनेगा, बन अगर जॉइंट भी हो गया तो उसे ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। काफ़ी इन्फेक्शन था, आपने देखा ही होगा, तो इन्फेक्शन की वजह से हड्डी नहीं जुड़ती है। और वापस एक बार बता देता हूँ, कोई कोई कैसा होता ना, एक ही वीडियो देख के फिर मुझे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है रीसर्जरी इन्फेक्शन की वजह से नई हड्डी ज्वाइन हुई है, फिर उसके बाद में मेरा वापस ऑपरेशन हुआ है, मेरी प्लेट निकल गई थी फीमर की, अंदर स्क्रू गिर गया है, अंदर एक्सरे में देखा है, और भी वीडियो है उसमें देखिए फिर क्वेश्चन कीजिए, तो कैसा मुझे रिप्लाई ऑलरेडी है, मैंने डाला हुआ है, तो मैं मतलब उस चीज़ का क्या मतलब, मैं मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें मैं ऑलरेडी, अभी जैसे किसी ने मुझे पूछा कि आपकी प्लेट का एक्सरे रहा, तो मैंने एक्सरे डाला हुआ है, तो वापस मैं किसको कैसे पर्सनल में एक्सरे डालूँ, मतलब मेरे को मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने डाला हुआ तो है, आप देखेंगे वीडियो तो आपको दिख जाएगा, मतलब फिर मतलब ऐसे बहुत सारे चल पाते हो, तो मैंने तो डाला हुआ मेरा चलने का, मैं तो पहले दिन से चल रहा हूँ भैया, अपना कोई है नहीं, अपन खुद ही है, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही बनाओ, सब खुद ही करो, तो मतलब ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, तो पहले दिन से, तो मुझे मैं चलता हूँ दौड़ता हूँ, बस जब इन्फेक्शन था तब हालत बहुत ख़राब होती थी, मतलब सब मतलब बैड बन जाती थी, जितना एक्सीडेंट में दर्द नहीं होता हुआ होगा ना शायद, उतना तो मुझे इन्फेक्शन में जो बैंड करते थे और वो फिजियोथेरेपी जाती थी और बैंड करती थी और चलने के टाइम पे सर अंदर से काटता था, सब जिंदगी बेकार सी लग गई थी, बट वक्त चला गया, अब कुछ नहीं है, अब तो अपना पैर भैया अपना कोई है नहीं टेंशन, अपन तो बिंदा लाते दबा के एकदम फूट, मतलब तो भी ध्यान देता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो और रिकवर मतलब मैं कैसे बताऊँ, भोजन पूछते रिकवरी क्या है, मैंने दिवाली का डाला हूँ, दिवाली में शायद दिवाली के टाइम पे ही डाला था, दिवाली के 2 दिन पहले, तो A
few moments later. तो आज अभी चल रहा हूँ अपना इसके सहारे और यही है बता रहा हूँ लाइक ये देखिए ऐसा चल रहा हूँ तो ये अपना हालांकि अभी स्टिक से चल रहा हूँ और थोड़ा ये सपोर्ट है तो ऐसी कोई बात नहीं है मैं ऐसा बिना इसके भी ऐसा पा रहा हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो तो जैसे कि है बैलेंसिंग है थोड़ा बहुत और ये मैं अभी छोड़ सकता हूँ जैसे कि ये जो स्टिक है ये अपनी स्टिक है जो सहारा बनी हुई है काफ़ी टाइम से पहले वो वॉकर था अब ये स्टिक है इन्हीं का सहारा चल रहा है तो अभी ये विदाउट स्टिक अपन चल रहे दिखा देता हूँ कहाँ गया तो ये अपन ऐसे विदाउट स्टिक भी चल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे भी दिक्कत नहीं राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब है तो दूसरे में वो तो अपन तो ये अभी फिलहाल अपनी हाल है तो ये करना है ताकि यहाँ आप मसल्स में जो है एक्टिव हो जाएं इसीलिए थोड़ा सा मूविंग करते रहना है फिर इसके बाद में अब ये मैं आपको ये वाला भी बता देता हूँ अगर आपको दिख रहा है देखिए तो ये ये कम से कम आपको दिन में काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं आप देख सकते हैं हाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज करते रहता हूँ मसल्स जो है खींचें तकलीफ होगी लेकिन करते रहता हूँ जो आपको पैर सीधा ही रखना है वो उसको उठाना नहीं है उसको नहीं उठाना है आपको सीधा उठाना और ये एक्सरसाइज में करते हैं आगे पीछे जो खड़े रहता हूँ खिंचाव आएगा ठीक है स्टार्टिंग में आएगा उसके बाद नहीं आएगा वही है दोस्तों तो अपने को तो कोई दिक्कत है नहीं अभी अपना पैर जो है वो थोड़ा सा हवा में रहता है आप देख सकते हैं उसको तो बस ये थोड़ा सा हो जाए बस पॉजिटिव रहेंगे इस लाइफ में हाँ तो दोस्तों बेसिकली बस यही बताना है कि बस हैप्पी रहिए ठीक रहिए इसको धीरे धीरे जैसे उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे विदाउट इसके भी चलिए तो मैं चलता हूँ तो अभी जैसे पढ़ाई बस धीरे धीरे ठीक होगा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा है मेरा फीवर दो जगह टूटा है लास्ट में ऑफिस बोल रहा हूँ फीवर दो जगह टूटा है भाई लोग प्लीज़ कंपेयर मत करो नी पटेला घुटना जहाँ से घुटना नहीं ये होता है ना घुटने का जो वो टूट गया है तो मेरा बैंड नहीं होगा
ठीक है, और मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जो कि अभी ये जब निकलेगा फीमर का, जो फीमर का जो एलिक्सर है, जब फीमर का निकलेगा तो उसके 20-25 दिन के बाद में उसका एक्सरे निकलेगा। तो उसके बाद मैं ट्राई, मतलब जो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा हूँ उनसे कंसल्ट किया है, और उन्होंने कहा है जैसे निकलेगा तो उसके 20 दिन बाद या 25 दिन बाद या जैसा भी है उन्हीं का ऑपरेशन होगा। ठीक है, तब उसके बाद में मेरा 90 अबाउ 100 हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, 90-100 नी बैंडिंग या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कमिटमेंट नहीं करते डॉक्टर लोग, तो होप सो। अभी तो टाइम है, मैं सिर्फ बताने जा रहा था कि मेरा फीमर जो है दो जगह टूटा है, मेरा नी टूटा है, मेरा टीबिया फैबुला जो बोलते हैं जो पीछे की हड्डी थी वो तो टूट चुकी थी, वो भी दो जगह टूटी, और जो घुटने के नीचे हड्डी है बता रहा टीबिया फैबुला वो जो है उसके अंदर भी इतने इतने टूटे हुए पार्ट्स थे, वो निकाले गए थे भाई मेरे भाइयों, उनके अंदर इन्फेक्शन था, वो हड्डी काली हो चुकी थी, वो झेला हूँ मैंने, अंदर प्लेट लगी थी, अभी एलोजर लगा, एलोजर लगने के बाद में इन्फेक्शन था, बोन ग्राफ्टिंग हुआ, बोन ग्राफ्टिंग दो बार हुआ है क्योंकि हड्डी ज्वाइन नहीं होती है तो बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जो कि कमर की हड्डी यहाँ से निकाले हुए अभी मैं बता रहा हूँ। तो मतलब किसी किसी को कैसा है ना मैं बता रहा हूँ, तो बता देता हूँ शायद कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए अगर आप दिख रहा है खाके, तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ आके जो होता है यहाँ से बोन ग्राफ्टिंग दो बार निकाल चुके हैं, तो मेरा मैं काफ़ी सालों से यही कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारना, ट्राई कर रहा हूँ, खुद को ठीक करना है, खुद पे भरोसा है और ठीक हो जाऊँगा, धीरे धीरे ठीक होऊंगा, और जैसे कि पहले ही मुझे था कि नहीं नहीं मैं ठीक हो गया हूँ तो धीरे धीरे ठीक होऊंगा, लेकिन हो जाऊँगा, बस धीरे धीरे होना, थोड़ा सा पेशेंस और पॉजिटिव रहना, बस यही बोल रहा हूँ सबको। तो वही ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ दिनों बाद वापस, शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। A few moments later.